हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ड्राइव। सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की तरफ से निकलने वाले रिक्रूटमेंट के बारे में। ये रिक्रूटमेंट बेसिकली एक अप्रेंटिसशिप है, देख सकते हैं आपका यहाँ पे 1 ईयर के लिए वैकेंसी निकाला गया, जो कि अप्रेंटिसशिप रहने वाला परमानेंट जॉब नहीं है, बट अगर चाहे तो आप जरूर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में निकाला गया है। तो अगर आपके लोकेशंस के आसपास जो होगा वहाँ पर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब इस नोटिफिकेशन में आप देखेंगे तो यहाँ पे 3600 टोटल वैकेंसीज है, अलग अलग आपका लोकेशन, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग आपका ट्रेड्स में वैकेंसी मिला के, और इसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारा कुछ है। तो डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कौन लोग एलिजिबल है, कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस होने वाला है। तो यहां पर आप जैसे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो ये सब वैकेंसी है अलग अलग लोकेशन पे, तो वैकेंसी आप चेक कर लीजिए कहां पर कितनी वैकेंसी है। मैं आपको इसका ओवरव्यू बस दे दे रहा हूं। अब बात कर ले यहां पर आपका क्वालिफिकेशन का, क्या क्वालिफिकेशन आपका मांगा गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर आपका सबसे पहले एज लिमिट 18 से 24 ईयर्स, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। आपका एज लिमिट 24 ईयर्स है यूआर कैटेगरी के लिए 15/5/2022 तक। अब ये चीज़ आपका जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन है, अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव का है, यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट का है, तो ये सब आपका नॉन टेक्निकल पोस्ट है, तो इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ टेक्निकल पोस्ट को करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको सेक्रेटरियल असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ड्राफ्टमैन, सिविल, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सिस्टम मेंटेनेंस, इन सब में। नेक्स्ट यहाँ पे मशीनिस्ट मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, देन आपका मैकेनिक डीजल, देन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, देन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी, देन यहाँ पर रेडियोलॉजी, देन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, और सर्वेयर और वेल्डर। तो इन सब में आपका ITI मांगा गया है, जिस जिस ट्रेड्स में मैंने नाम बताया उस ट्रेड्स में आपको ITI मांगा गया है। तो अगर आपने ITI कर रखा है तो आप यहाँ पर एलिजिबल है। अब नेक्स्ट बात कर ले डिप्लोमा वालों के लिए, तो डिप्लोमा वाले के लिए देख सकते हैं यहाँ पे सिविल है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, मैकेनिकल है। तो इन सब में से किसी एक में भी अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। अब नेक्स्ट बात के लिए अगर आप एलिजिबल है तो अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई आपको करना है एक ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको स्टाइपेंड बता दिया गया है, इसलिए मैंने पहले ही कहा कि आपका जो लोकेशन के आसपास होगा वहीं पर अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर स्टाइपेंड आप देख सकते हैं ग्रेजुएट को मिलेगा 9000, आपको ITI वालों को मिलेगा 7700 1 ईयर वालों के लिए, और 2 ईयर वालों को 8050, और डिप्लोमा अप्रेंटिस को 8000 मिलेगा। तो जिसके घर के आसपास होगा उसी लोकेशन पर अप्लाई कीजिएगा, तो आपके लिए बेनिफिट होगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो मेरिट के बेसिस पे होने वाला है, यानी कि आपका एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा, आपका जो भी डिप्लोमा ITI या ग्रेजुएशन में मार्क्स है उसके परसेंटेज के बेसिस पे सिलेक्शन होने वाला है। तो इसे नेक्स्ट बात के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो कैसे करना है, तो अप्लाई के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्टर करना है अप्रेंटिसशिप के पोर्टल पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबके लिए अलग अलग दिया गया है, अकाउंट्स वगैरह के लिए आपका अलग है, आपको ITI वालों के लिए अलग है, डिप्लोमा वालों के लिए अलग है। तो अलग अलग पोर्टल पे आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आके यहाँ पे अप्लाई करना होगा। लिंक आपका एक्टिवेट हो चुका है, आप अभी से अप्लाई कर सकते हो, और ये चलेगा आपका 15/5/2022 शाम के 6 बजे तक। अप्लाई करने के लिए सिंपल आपको यहाँ पर देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आना है, इसके नीचे आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन। सो यहाँ पे देख सकते हैं, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो ये नोटिफिकेशन आपका डाउनलोड हो जाएगा, जो फर्स्ट वाला है ये आपका अप्रेंटिसशिप का है। अब अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको आना होगा यहाँ पे देख सकते हैं यूज़र रजिस्ट्रेशन में। सबसे पहले आपको अप्रेंटिसशिप के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है, आप ITI तो ITI के पोर्टल पर करेंगे, डिप्लोमा तो डिप्लोमा करेंगे, और अगर आप अकाउंट्स वगैरह के लिए अप्लाई करें ग्रेजुएशन वालों के लिए तो उसके पोर्टल पर रजिस्टर करेंगे, क्योंकि उसका आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर मांगा जाएगा, तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको डालना रहेगा। तो ये है, उसके बाद आके यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, देन आपका फॉर्म फिलअप होगा, फ़ी वगैरह कुछ नहीं लगने वाला है। तो अगर आप एलिजिबल है तो अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।